अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के फजल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज हो चुका है और ये आपके सामने अस्सलामुअलैकुम करो व्यूवर्स को। अस्सलामुअलैकुम। आगे क्या हाल है व्यूवर्स? ठीक हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आ जाएं, नाश्ता कर लें। नाश्ते का टाइम हो चुका है। मैं अस्मा व्लॉग को उठा के लाया हूँ। मैंने कहा कि आज जो नाश्ता कर नानों को नान दे। मम्मी देखिए शुरू करने लगी हूँ मैं। फुल बखेरा भी है व्यूवर्स। तो ये देखें, ये मैंने की लगा के तीनों चीज़ें फिट की हैं। यस, तो जी व्यूवर्स, अब आप देखें कि ये मैंने हैंड वॉश लगाया, ये मैंने ब्रश स्टैंड लगा दिया है, मिरर लगा दिया है, और कैसा लग रहा है। तो ये काफ़ी हद तक मैंने सफाई तो की है, धो के फारिग हो गई हूँ। स्टैंड लगाया मैंने, कारीगर तो आए नहीं है और सारा काम खुद ही को करना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा चलो खुद ही जो जो काम होता है वो कर लूँ। बर्ड्स, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई, जिसकी वजह से मैंने अभी पिया है दूध। दूध का एक कप गर्म करके अच्छा सा, तो वो मैंने पिया। हो गई है शाम, 3:30-4 बजे का टाइम है और ठंड हो रही है, तो मैंने जर्सी पहन ली है। आ चुका है और मैं अब किचन में आ चुकी हूँ। अब हम करेंगे अच्छे से। तो ये मैंने कुकर में प्रेशर में डाल दिए, लहसुन प्याज नमक डाल के इनको अच्छे से वेट तक आएंगे और फिर ये बना। तो चल चुका है प्रेशर, कलेजी का सालन बन गया। रखा है चिकन शोरबा, उसका भी शोरबा बॉयल होना शुरू हो गया। नीचे ऐसे आप देखिए कितने लंबे कॉरिडोर हैं और फिर एक और ये। जी व्यूवर्स, तो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।